700 सालों से चल रही पर्ची वाली भूतों की अदालत, एक ऐसी दरगाह जहां लगती है भूतों की अदालत। बिना जज और वकील के सीधे ऊपर वाला देता है सजा। हिंदू भूत और मुस्लिम भूत भी लगाते भूतिया अदालत में अपनी पर्ची। किसी को मिलती है उम्र कैद, तो किसी को मिलता है 10 सालों और चंद महीनों की सजा। क्या है इस भूतिया अदालत की कागजी वाली हाजिरी की असल कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोई झूम रहा है, कोई लेट कर गोल गोल घूम रहा है, तो कोई जोर जोर से बोल खोल सिर हिला रहा है। ये कोई पागल खाना नहीं, बल्कि कुशीनगर के बूढ़न शाह बाबा की ऐसी दरगाह है जो 700 साल से ज्यादा यहां भूतों की अदालत लगती आ रही है। बाबा बूढ़न शाह की ऐसी कहानी जो मदीना से बलफ बुखारा की रखता है अपनी अलग निशानी। रहस्यमय किस्सों कहानियों से भरी ये दरगाह पडरौना नगर से 9 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव के पास जंगल के किनारे और पास में बहने वाली नदी के बगल के टीले पर स्थित बाबा बूढ़न शाह की ये दरगाह है। खुदाई में मिले एक अरबी में लिखे ईंट से शुरू हुई बाबा बूढ़न शाह के अस्तित्व की वो कहानी जो हिंदू और मुसलमान समाज के लिए है 700 सालों से बना आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। बाबा बूढ़न शाह की दरगाह की तमाम कहानियां और चमत्कार के अनोखे किस्से सुने गए, जहां दावा किया गया कि बाबा के चमत्कार की वजह से नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं बहती, बल्कि बाबा के चमत्कार ने नदी को उल्टी दिशा में बहने को मजबूर कर दिया। यूं कहे तो दक्षिण से उत्तर नदी बहती है। तो इतना सुन रहा नहीं गया और पहुंच गए बाबा बूढ़न शाह के दरबार, जो यूपी ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल तक प्रसिद्धि हासिल किया है। दरगाह के बाहर सब शांत था। बाबा की दरगाह को छू कर आशीर्वाद लिया। जब अंदर गए तो अंदर कुछ भी शांत नहीं था। अशांति की तस्वीर देख आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर से शांत, अंदर अशांत का ये माहौल बेहद हैरान कर देने वाला था। जोर जोर से झूम रही महिलाओं की तमाम भीड़ को देख यही सवाल उठा कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, आखिर क्यों ये अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं, आखिर महिलाओं के ऐसे व्यवहार क्यों दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। दरगाह के अंदर हर तरफ सिर्फ मजार क्यों बने हैं, ये सवाल मन में उठ रहा था और इसे जानने की जिज्ञासा भी जग रही थी। सवाल ये भी था कि यहाँ का माहौल सबसे अलग क्यों है। कोई कई सालों से आ रहा है तो कोई रोज आता है, तो कई महीनों से यहाँ डेरा जमाए यही रह गया है। दावे ऐसे कि जहां डॉक्टर का इलाज ना काम आए, वहां बाबा की पर्ची काम आए। फर्श पर बैठे एक ऐसे शख्स पर नजर पड़ी जो इस दरगाह के मुख्य सेवादार थे। उर्दू भाषा में सादे कागज पर कुछ लिख रहे थे। जब पूछा गया तो पता चला कि भूत भराने की हाजिरी बन रही है। जब ये हाजिरी बनकर बाबा बूढ़न शाह के मजार पर जाएगी तो जिसने हाजिरी लगवाई वो खुद झूमते हुए बाहर आ जाएगा। जिन हो, भूत हो, प्रेत की दिक्कत जिस इंसान को होगी, वो खुद ही ऐसी जमीन पर लेटते दौड़ते हंसते रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगता आएगा। इंसानी शरीर में क्यों शरण लिए जानकारी देगा, फिर उस इंसानी शरीर को छोड़ने की शर्त बताएगा। कुछ तो कैमरे में कैद हुए तो कुछ ऐसे थे जो कैद करने लायक नहीं थे, क्योंकि वो तस्वीर डरा देने वाली थी। सबसे खास बात ये थी, भले ये मुस्लिम समाज की दरगाह हो, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू समाज के लोग भी अपने दर्द से मुक्ति पाने के लिए यहाँ हाजिरे लगाते दिखे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिला, क्या पुरुष सब बाबा बूढ़न शाह के दरगाह में सिर पटकते नजर आ रहे थे, तो कुछ झूमते नजर आ रहे थे, कुछ अजीब अजीब बोल रहे थे। बता दें कि यहाँ पर अपनी सेवा देने वाले सेवादार की माने तो इस दरगाह के बगल में 3 ऐसे और मजार थे जो हिंदू समाज से जुड़े उन सेवादारों के थे जो बाबा बूढ़न शाह की सेवा करते करते चल बसे, जिनमें ब्राह्मण थे तो दूसरे यादव, जो कि तीसरे एक साधु थे। हिंदू मुस्लिम समाज के एकता का प्रतीक माने जाने वाले बाबा बूढ़न शाह की इस दरगाह का यही महत्व बेहद खास, सबसे अलग है। दरगाह के बगल से ही एक छोटी सी नदी भी यहाँ उल्टा बहती है और इस नदी में स्नान करने से जिन्हें शारीरिक कष्ट होता है, जिन्हें दवाओं से आराम नहीं आता, वो इस नदी में नहाते ही अपने तमाम कष्ट से मुक्ति पा जाते हैं। अब इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास,
भूत प्रेतों से मुक्ति पाने का बाबा बुढ़न शाह कुशीनगर वासियों के लिए एक पवित्र स्थान है, तो कुछ लोगों के लिए भूतों की सबसे लंबी चलने वाली अदालत, जहां सुनवाई भी होती है, सजा भी तय होती है। कौन जज सुनवाई करता है, कौन वकील होता है, ये अपने आप में एक रहस्य है। स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? वो ने बुढ़न शाह बाबा रमतुल्ला के नाम से है। अच्छा, एक एकता का भी प्रतीक है, क्या है इसकी मान्यता? इसकी मानते हैं कि जितने दुखिया आते हैं सबको ने भलाई हो जाता है, सबको निरोग हो जाता है, सबको जो मन्नत मांगते हैं उसकी पूरी हो जाती है। किस तरीके का दुख होता है जो लोग यहाँ? अब हर तरीके के दुख है, ये कि सरकार के पास आएंगे खेलेंगे, जो सरकार के हुक्म होगा तैयार होंगे, आदेश मिलेगा तैयार बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ और भी मजार है जो हिंदू बाबा का है, उनका क्या नाम है और उनकी क्या मान्यता है? उसके नाम तो हम नहीं बताएंगे, बहुत हो जो ने पुरानिया जो बता कर गए हैं वही हमको मालूम है। उन्होंने फुलसा बाबा का है और एक आयुर्वेदर का और एक हिंदू की ग्वाला। अच्छा, यहाँ जो पानी जो बह रहा है, पानी सीधा हमेशा बहता है लेकिन यहाँ पानी उल्टा बह रहा है। यहाँ ने सरकार के क्रम से उल्टा बह गया। सरकार ने कहा जे गंगा तूने घूम जाओ, हमारे मजार तूने नहीं ढाएगी, तो गंगा ने तो सोचा तुम वहाँ से उत्तरमुखी अपनी चेहरा बदल दिया। यहाँ पानी उत्तर की तरफ बह रहा है, बह गया। क्या नाम है? मेरा नाम है शरीफ मोहम्मद। क्या है यहाँ? यहाँ यही ने बच्चियों को सब ने दिखते हैं सुनते हैं। तो पीछे जो मजार दिख रही है इसकी क्या मान्यता है? हजरत पूरन साहब बाबा का मजार है और एक उनके लड़के शाहजादे दो लोग हैं यहाँ पे। कब से आप लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? देखिए, हम तो जब से मजिए जब से पैदा हुए हैं तब से सेवा कर रहे हैं। इसके पहले हमारे दादा सेवा कर रहे थे। अच्छा, हमारे दादा के दादा। क्या मान्यताएं हैं इस मजार की, आखिर इतने लोग आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी इतनी भीड़ हो रही है? देखिए, सबका मुराद पूरा होता है बाबा के पास। जो भी जितने दुखियारे हैं, जितने लोग आते हैं, परेशान हैं, जितने दुखिया टाइप के हैं, सब लोग आते हैं और सबका दुख जो है बाबा सही करते हैं। क्या प्रोसेस है उसका, कैसे यहाँ आते हैं, क्या अर्जी लिखा जाती है, कैसे? जैसे दरखास्त लिखा जाता है कि बाबा हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, वो आते हैं यहाँ पे, अपना हाजिरी लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद से अपना हाजिरी लगा करके दुख सुख अपना सब मन में कहते हैं, उसके बाद से बाबा सुनते हैं, उसके बाद से लोग ठीक होते हैं। नाम क्या है? जी, मजहर अली शाह। रहस्यों से भरे बाबा बुढ़न शाह के दरगाह पर लोगों की भीड़ देख और किए जाने वाले दावों को सुन शायद विज्ञान भी चौंक जाए। तो बताइए आपको कैसी लगी भूतों की अदालत, कमेंट करें और ऐसी कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।